ओ बेटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुजायु ओ बेटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुजा अभी क्या देख रहे हो यार कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से 1 2 3 कहानी है कहानी कुछ भी नहीं गई है कल थकावट इतनी थी कि यार घर यूनिवर्सिटी में कपड़ा मिस हो गया सही है तो आज यूनिवर्सिटी है वो घर की कोई शेड पे जाना पड़ेगा तो आज का जो ब्लॉग है वो भी ब्यूटम्स में अलग अब बच्चा चेक करो ठीक है निकलते हैं फिर यूनिवर्सिटी की तरफ ओ बेटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुजायु ओ बेटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुजायु ओ मुझ तो पुजायु मन जो उमेदू मुझ तो पुजायु मन जो मुरादू बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो हाँ तो यार आज का जो था यूनिफॉर्म जो है वो धोने वाला था तो मैं सीधा पहले गया हूँ जुनेद के पास हॉस्टल उसको पहले मैंने भाई मैसेज कर दिया था कि जी अपना यूनिफॉर्म रेडी रख ठीक है उसकी क्लासेस नहीं थी तो मैं आ रहा हूँ और तेरा यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगा तो ये शर्ट जुनेद की पैंट जुनेद की तो चलो व्लॉग तो मैं यार अपने कपड़ों में ही करूँगा सिर्फ इतना ही बताना था शौकी बनती है तो भाई जो है वो अब आपका डिपार्टमेंट में जाने लगा है तो डिपार्टमेंट के सीन चेक करो सीन नहीं डिपार्टमेंट की कहानी देखो यार कदे मिलता हसी ओ कदे मिलता हसी ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे सोना कदे मिलता हसी मुके फोन करी तू गोरा हां हजार बोकेश गोरा मुके फोन करी तो ये जो है ये हमारा सबसे डिपार्ट का शोका लड़का है सही है शोके का वैसे मतलब पता है असल में भाई जो है वो बलोची है बरावी है इनको हमारी पंजाबी समझ ही नहीं आती पंजाबी वाली और चोखा होता है यार वो जो वो नहीं जो बड़ बड़ कर कहता है कि मैं ये वो होता कुछ भी नहीं है नहीं यार भाई वैसे ना भाई में टैलेंट है भाई में ये टैलेंट है कि एक को दो कर देते तू गोराई हजार बो केश गोराई हां हां यानी आ जानी हां मजे तू रानी आ असल में की जानी हूं बार तो जा तो बार तो दिस तो मुझे मुझे जानी मजे तू मन से ओ कदे मिलता हसी ओ कदे मिलता हसी ओ रे जानी भाई की बर्थडे है तो भाई को विश करते 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू ये चाइनीज वर्जन में इफ्तिखार ठाकुर के साथ जो वो शुदो चाय पी रहा हूँ शुदो चाय ना सॉरी स्ने चाय शुदो चाय जो होता है दूध वाला चाय होता है स्ने चाय अच्छा यार इनसे थोड़े से सवाल करते हैं भाई ब्यूटम्स के लिए भी
पैगाम? तो सबसे पहले मेरा पैगाम ये है कि लड़कों को एक शऊर होना चाहिए कि वो पढ़े और बलूचिस्तान का नहीं पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा ठीक। और दोस्ती से दूर रहे। किसकी दोस्ती से? लड़कों से भी लड़कियों से। लड़कों से क्यों? वो इसलिए भाई थोड़ा शर्मा आ गए। अच्छा भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी भाई मेरा पैगाम तो यही है स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स से जो भी स्टूडेंट है जिसको भी आगे जाना चाहिए, जो आगे जाना चाहते हैं उसको बड़ा सोचना है। और इसके साथ साथ ये कि अपने मुल्क से प्यार करना, जो अपने मुल्क से प्यार करेगा वो आगे बढ़ सकता है। सही है। तो ये हाजी साहब जो है ये पैगाम नहीं देंगे। तो सीन कहानी खत्म होती है इधर की यहीं पे। एरिया जा रहे हैं यार, ये जो है ना ये यूनिवर्सिटी का सबसे महंगा तरीन रस कैसे है यार? एक तो यार आपका भाई जो है ना वो अटकता पड़ रहा है। ठीक भाई की अटकती बढ़ी है यार जुबान यार। तो चलो इधर के भी आपको सीन्स चेक करवाता हूँ। कुछ भी नहीं क्योंकि ग्रीन टी थी। सही है, हम सादे से लोग हैं यार, वो चावल छोले खाने वाले, चावल चने खाने वाले। उससे ये बताइए जो भी मेकअप वाली बच्ची गई है इसके बारे में क्या कहना पसंद करेगा? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे मेकअप की जरूरत नहीं है, इससे प्लास्टिक सर्जरी। तो यार ये सामने जो है ये हमारे भाई जूनियर्स आ गए हैं। एक तो इनमें मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, तो इनकी मिमिक्री भी सुन लेते हैं यार, पहले मिल लेते हैं। तो भाई जो है, भाई कहता है पहले साई की तरफ आ जाते हैं। बहुत फिक्र है। तो खैर इसलिए क्योंकि ये बहुत गर्मी है और मैंने सोचा साई कैसा यार, इन्हें क्या पंजाब की गर्मी का क्या पता यार, अच्छा भला मौसम है, झूठ बोल रहे बंदा वैसे। चलो खैर फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। पॉलिटिशियंस की वो मिमिक्रीज करता है ना तो उनका असर आ रहा है, तो इतना बनता है। खैर चलो यार कोई मिमिक्री भाई, सबसे पहले मैं इमरान खान की मिमिक्री करूंगा। करो करो। देखिए जी पाकिस्तानियों, नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं 25 जुलाई को। आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में, खवातीन के बारे में, सेहत के बारे में और अमन अमान के बारे में। सबसे बड़ा मसला क्या है हमारा, हम सही बंदे को लाते नहीं है, सही बंदे नहीं सेलेक्ट करते। फिर क्या होता है, 5 साल का रोना होता है। तो मेरी सब पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है, खुदा रहा आप ये देखिए कि ये कैसे बंदा है, ये कैसे कैंडिडेट खड़ा है। तो फिर उसको आप कामयाब करें, जो साफ बंदा हो उसको आप आगे लाए ताकि पाकिस्तान का भला हो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वोट जो है ये सोच समझ के दे दें क्योंकि ये आपके फ्यूचर का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट यार। अच्छा यार भाई का चैनल भी है, सही है? चैनल का नाम बताओ। मेरा चैनल है राशिद शाह ऑफिशियल, यूट्यूब पे और फेसबुक पेज है सैयद राशिद शाह। आप उसे भी लाइक करें। इंशाल्लाह 2-3 दिन में मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, उसमें फिर फर्दर एडिशन होगी, नेक्स्ट पॉलिटिशियंस की मिमिक्री होगी, फिर वो भी आप देख लेंगे और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। सियासी मौसम है, इसको हम एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल। बेस्ट ऑफ लक टू, और ये मेरे जो अच्छे दोस्त और सीनियर है बायोटेक में हसन भाई, इनका भी आप चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज जो भी है इनके सोशल एक्टिविटीज हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर कंटेंट दें। हम तो स्टूडेंट भी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी आपके सामने हाजिर है। तो बहुत शुक्रिया, एंजॉय करें नेक्स्ट वीडियोस को इंशाल्लाह। चलो यार हमारे साथ। नहीं तो ये जो पीछे है ये मैं मिड कंटीन के बाहर खड़ा हूँ, और जो इस साइड पे है वो है जायका हाल है, लाइब्रेरी है। सही है, जायका हाल में जो है वो पेट्रोलियम वगैरह की क्लासेस होती हैं, उसके अलावा माइनिंग क्लासेस होती हैं। और मिड कंटीन के रास्ते में आ रहा था तो मैंने कहा यार चलो बता देते हैं, बताना बेहतर समझा। तो ये जो मेरे बैग पे है ये FIST है। सही है, FIST में जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं कंप्यूटर साइंसेस, फैकल्टी ऑफ, पता नहीं यार मुझे इसके एब्रीवेशन नहीं वैसे पूरी पता। तो FIST बस बरार इसको कहती हैं, इसके अंदर सारी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं उसकी क्लासेस होती हैं। चलो इधर के भी सीन आपको
इधर की भी कहानी आपको दिखाता हूँ। दिशाएं के नाम सुभानी के बखुल की आबद खुदा जाने पातशाएं के नाम सुभाने कहर अगर पीता जोर जोर माने मेरा पीता रही मुरहमानी के बखुल की आबद खुदा जाने से पहले चेक करो ये जो मेरे बैग पे है ये सर सैयद ब्लॉक है इसको एसएस ब्लॉक कहते हैं इसके अंदर जितने भी इंजीनियरिंग फैकल्टीज हैं उससे रिलेटेड और बीएस इंग्लिश वगैरह मास कम्युनिकेशन क्लासेस होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। चलो इधर के सीन में आपको यार मैं सीन ही बोलने जा रहा हूँ मैंने कहा था कि मैं सीन्स नहीं मैं कहानी कहूँगा तो यहाँ की कहानी मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ। अलफ अल्लाह सत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर ना काई अलफ अल्लाह सत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर ना काई भुलिया कौन अलफ दे पूरे जड़े दिल दी करन सफाई अलफ अल्लाह याद वाओ रज़ामा नामे दा इल्तिजा नामे दा इल्तिजा ए रबा पर याद वाओ रज़ामा नामे दा इल्तिजा नामे दा इल्तिजा सम अफलुक को माग्रान सालो ए ना कुर्बान वो अफसोस सम अफलुक खफाते इंसानान वो हकड़ा राता नामे स्वाल ये पीछे जो है मेरे सारा फुटबॉल ग्राउंड है असल वाला तो नहीं वो असल वाला तो वो बायोटेक के पास है वो आगे करके तो जहाँ पे मतलब ज्यादातर खेला जाता है फुटबॉल तो ये चेक करो यार एक मुझे यार बाकी दुनिया बेकार मैं तो करा जा यार मैं कहते सुनते भी हाँ यार भी तू आई दिलदार भी तू आई मुझे जनी जनी आई मुझे ता जानिया जानिया माजी तू रानिया दसल मैं की जानी मम्मू बार तो अच्छा तुमको बार तो दिसा तू मुझे जानी माजी तू मुझे जानी जिन्हें सखर उन्हें मखण जिन्हें झटपट मुझे वार पट जिन्हें लड़कण उन्हें माँ कण जिन्हें हैदराबादी उन्हें नरमदी मैं हूँ वहीद भाई के साथ ठीक है ये इन्वायरमेंटल साइंसेस के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है और अच्छे दोस्त हैं मेरे तो यार ये जो है बेसिकली तुर्बत से बिलोंग करते हैं ठीक है तुर्बत का नाम जो है वो मैंने भी वैसे यहाँ पे आने से पहले तुर्बत नहीं कबर क्या कबर कबर
क्योंकि वहाँ तकरीबन कब्रिस्तान था बड़ा पर्वत में, तो इसलिए नाम मशहूर है। अच्छा, कब्रिस्तान, सही है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे आने से पहले कि कोई बलोचिस्तान में, मुझे सिर्फ यही पता था कि क्वेटा जो है वही बलोचिस्तान होता है, लेकिन यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान ही है। तो तुर्बत का कुछ सुन लेते हैं भाई से। तो यार तुर्बत में की सबसे फेमस चीज कौन सी है? सबसे फेमस चीज तो खजूर है, क्योंकि खजूर बहुत ज्यादा है वहाँ, और वहाँ फसल भी बहुत है। बहुत पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है फुल। अच्छा। और गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि सिद्दी में गर्मी ज्यादा है और दूसरा जैकाबाद में गर्मी ज्यादा है, लेकिन तुर्बत में 58 से मैक्सिमम तक जाता है। अच्छा, सही है। और उधर की इलाकाई जुबान कौन सी है? बलूची। बलोची। अच्छा यार, बलोची थोड़ी सी सुनाई दो। हमने फुटबॉल खेला, माँ फुटबॉल लेव कोट, माँ फुटबॉल लेव कोट, माँ नहीं यार मेरे से नहीं होना, ट्राई करते हैं, माँ फुटबॉल लेव कोट हो गया यार, नहीं तो उसके बाद कोई मुश्किल सा यार, मेरी बायोटेक्नोलॉजी बड़ी मुश्किलों से हो रही है। हमारी बायोटेक्नोलॉजी सख बाज मुश्किल से भूगा है। मनी बायोटेक्नोलॉजी सख बाज मुश्किल से भूगा, सख्त बाज मुश्किल बाद भूगा है, बाद भूगा है, बाद भूगा है। यार ये आप लोगों को सीखने का शौक है, सीखो, काफी मुश्किल जुबान है यार, पश्तो के कुछ भी वर्ड्स फिर भी आ जाती, सही है, तो ये लेकिन थोड़ी डिफिकल्ट लग रही यार। ये देखो, ये हमारी यूनिवर्सिटी मेरे डिपार्टमेंट के थोड़े हंक स्टूडेंट हैं, सही है, भाई कह रहे कि मैं पीछे से आऊँगा तो शूट करना। भाई तू ऐसे ही आ जा, तू वैसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है यार, ठीक है, अल्लाह ये भी आ गया, अब्दुल रहमान भाई भी आ गया, जबरदस्त, ठीक है, आओ बैठो यार, इंटरव्यू करना। तो अब्दुल रहमान भाई पठान हो? अच्छा, तो सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाते हैं इनसे, ये चंगेजी साहब हैं और हम इंसान हैं, सही है। तो आज तक के नहीं है, आज तक कितनी बच्ची अब सही है? अभी तक कोई भी नहीं। यार क्या फ़ायदा ऐसी शक्ल का, लोग मुझे फंसाते हैं। अच्छा यार, पठान कभी कब मतलब आप बच्चियाँ नहीं फंसाते? क्या फंसाते हो? वो किस कास्ट के होते हैं? वो ददरान होते हैं ना। ददरान क्या होते हैं? पठानों का एक कौम है। पठानों का एक कौम है, नाम मैंने सुना है। आप लोगों की क्या कौम है? काकड़। काकड़ हो यार, काकड़ तो सुना है बड़े खतरनाक लोग होते हैं। किस लिहाज से? हर लिहाज से यार, फंसते किसी और के साथ है, डेटे किसी और के साथ बात नहीं होती। हाँ तो यार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट में बताओ, और उसके साथ साथ अगर पसंद आई है तो वाकई सब्सक्राइब करो, अगर नहीं आई तो पिछली देख लो, वो भी नहीं पसंद आई तो उससे पिछली देख लो, वो भी नहीं पसंद आए तो आने वाले के लिए यार सब्सक्राइब करो। मैं कुछ कमेंट करूँ, चोरिस्तान वाली देख ली, वो मजे की। हाँ मजे की, बस बहुत अच्छी। तो वो पश्तो में कैसे कहते हैं जाने को, मैं जा रहा हूँ नहीं, ये भी मजे का नहीं है, 0300 डा मैं जानता पे। पातशाही के नाम सुभानी ने, पातशाही के नाम सुभानी, कहर अगर पीता जोर जोर मानी, मेरा पीता बिटाई बिटाई बिटते बसई नू।